नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का भूमि सुधार राजस्व मंत्री सहित कई अधिकारियों ने किया उद्घाटन। बोलबम के जयकारों से गूंजता रहा सुल्तानगंज गंगा घाट। गुरु पूर्णिमा को लेकर गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, गुरु को किया नमन। चोरी की नियत से घर में घुसे दो चोर चढ़ा ग्रामीणों के हत्थे, लोगों ने जमकर की धुनाई। कांवरियों के लिए तैयार टेंट सिटी का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण, व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। लॉ परीक्षा में पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने का केंद्राधीक्षक ने लगाया आरोप, परीक्षा हॉल में मोबाइल के साथ धराए कई छात्र। और अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन भूमि सुधार राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा, सुल्तानगंज विधायक सुबोध राय, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह, जिलाधिकारी डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अजगैवी नाथ 2019 पत्रिका का विमोचन भी किया गया। मंत्री ने कहा कि श्रावणी मेले में देश विदेश से लाखों कंवरिया सुल्तानगंज पहुंचते हैं। सरकार कंवरियों के लिए विशेष सुविधा का इंतजाम किया है। कच्ची कंवरिया पथ पर विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे कि कंवरिया को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने श्रद्धालुओं को श्रावणी मेला ऐप की जानकारी देते हुए कहा कि कांवरियों के लिए यह कारगर साबित होगा। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि कांवरियों को सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, खासकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मौके पर कई गणमान्य सहित पुलिस अधिकारी मौजूद थे। गुरु पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा घाटों पर भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों से आए श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए भागलपुर गंगा घाट पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पूजा अर्चना कर अपने गुरुजनों का ध्यान कर नमन किया। भागलपुर गंगा घाट पर सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही और सभी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गुरु पूर्णिमा में गंगा स्नान का विशेष महत्व है और इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। वहीं मायागंज स्थित कुप्पा घाट महर्षि मेहि आश्रम में गुरु पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने अपने गुरु को नमन किया। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र महमदपुर इलाके में बीती रात चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए घर में घुसे चोरों की लोगों ने जमकर पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात मुकुंददेव तांती के घर दीवार फांदकर चोरों ने कमरे में घुसने का प्रयास किया, लेकिन घर वालों की नींद खुल गई और दोनों चोरों को पकड़ लिया, जबकि तीसरा चोर भागने में सफल रहा। दोनों चोरों की पहचान नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के नूरपुर पंचायत के करेला गांव निवासी दिनेश यादव के पुत्र अमर कुमार और जोगी तांती के पुत्र विक्रम कुमार के रूप में हुई है। मौके से एक बाइक बरामद किया गया था। पुलिस ने परिजनों की पुष्टि के आधार पर बाइक मालिक के हवाले कर दिया। एसएचओ मनीष कुमार ने बताया कि लिखित शिकायत पर दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीसरे चोर की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। श्रावणी मेले में कांवरियों की सुविधा के लिए राज्य पर्यटन विभाग द्वारा लगातार दूसरी बार अब रखा में बनाए गए टेंट सिटी का निरीक्षण डीएम कुंदन कुमार और एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने किया। इस क्रम में उन्होंने टेंट सिटी में कांवरियों के विश्राम, शौचालय, स्नानघर, पेयजल, प्राथमिक उपचार व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही टेंट सिटी में विश्राम कर रहे कई कांवरियों से सुविधाओं की जानकारी भी ली। बाका अबरखा में कांवरियों की सुविधा के लिए बने टेंट सिटी में तकरीबन 500 बेड लगाए गए हैं। साथ ही पर्याप्त संख्या में शौचालय, स्नानघर आदि की भी व्यवस्था की गई है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रशाल में मंगलवार से लॉ परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा शुरू होने से पूर्व केंद्राधीक्षक प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह और वीक्षकों ने छात्रों को परीक्षा हॉल में मोवामयतन प्रसाद, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो और परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बहुउद्देशीय प्रशाल पहुँचे और केंद्राधीक्षक को कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन करने का निर्देश दिया।
मंगलवार को लॉ परीक्षा की वीडियोग्राफी भी कराई गई और कदाचार के आरोप में कई छात्र को मोबाइल के साथ शिक्षकों ने पकड़ लिया, लेकिन छात्रों ने एकजुट होकर इसका जमकर विरोध किया। इसके बाद केंद्राधीक्षक प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह वैकफुट पर आ गए। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही पुअर है। परीक्षा जिस समय प्रारंभ हुई वहां एक भी फोर्स पुलिस यहां मौजूद नहीं था। हम लोगों ने छात्रों को यहां एडमिट कार्ड के साथ प्रवेश देना चाहते थे, लेकिन नहीं रोक पाए। छात्रों की इतनी भीड़ थी, कंट्रोलर साहब स्वयं मौजूद थे, और चूँकि फोर्स व्यवस्था नहीं रहने के कारण सारे छात्र जो है बैग वगैरह लेकर हुई वहाँ एक भी फोर्स पुलिस यहाँ मौजूद नहीं था। हम लोगों ने छात्रों को यहाँ एडमिट कार्ड के साथ प्रवेश देना चाहते थे, लेकिन नहीं रोक पाए। छात्रों की इतनी भीड़ थी, कंट्रोलर साहब स्वयं मौजूद थे, और चूँकि फोर्स व्यवस्था नहीं रहने के कारण सारे छात्र जो है बैग वगैरह लेके चले गए भीतर, तो उसको डेस्क पर बाहर में रखवाया गया। तो थोड़ा कंट्रोल करने में 10-15 मिनट की दिक्कत आई। 10-15 मिनट पहले अगर फोर्स आ गया होता तो वो भी दिक्कतें नहीं होगी। हम लोग माननीय कुलपति महोदय और कुलानुशासक महोदय को पत्र देकर पुनः आग्रह कर रहे हैं कि हर हाल में 9 बजे तक यहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की जाए, ताकि गेट पर ही जो है हम छात्रों की जो है प्रवेश देने के समय किसी बाह्य चीज़ों का सामान मोबाइल इत्यादि को रोका जा सके। भागलपुर नगर निगम की नई नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी का मंगलवार को अभिनंदन समारोह आयोजित कर निगम सभागार में स्वागत किया गया। नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने बारी बारी से निगम के पार्षद, कर्मचारी और अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। वहीं मेयर सीमा शाह और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने नगर आयुक्त से विकास कार्य में सहयोग करने की बात कही और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों की जानकारी दी। नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने कहा कि आप सभी के सहयोग से स्मार्ट सिटी के कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। मौके पर पार्षद संजय सिन्हा, दिनेश तांती, मोहम्मद मिराज, शशिकला देवी, सावरा सहित कई पार्षद मौजूद थे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। भागलपुर में अपराधियों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं, जो पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। महज 24 घंटे के दौरान अपराधियों ने 3 व्यक्ति को गोली मार दी, जिसमें 2 की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस की पकड़ से अब तक दूर है। स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला भागलपुर शहर क्राइम सिटी बनकर रह गया है। वहीं कार्रवाई के नाम पर पुलिस जांच करने की बात कहकर पल्ला झाड़ रही है। बबरगंज थाना क्षेत्र सकुल्ला चक में सोमवार की सुबह हथियारबंद अपराधियों ने बच्चों को स्कूल पहुंचाने जा रहे दिनेश चौधरी के सिर में गोली मार दी। घटना के बाद परिजनों ने दिनेश को गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दिनेश के परिजनों ने बब्बरगंज पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिनेशपुर में छेड़खानी विवाद को लेकर थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। घटनास्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर बब्बरगंज थाना है, लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। ऐसे में पुलिस के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है। घटनाएं 3 हुई हैं, एक हत्या हुई तिलगामा जी में और एक बबरगंज में। तो लग रहा है सर कि इस तरह अभी श्रावणी मेला, इतनी बड़ी चुनौती है सामने, कैसे देख रही है पुलिस इस घटना को? नहीं, पुलिस तो घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करेगी, और ऐसी कार्रवाई करेगी कि फिर सबक मिले, जैसे गिरफ्तारी किया बोलू शाह का जो दांत अपराधी है, तो कार्रवाई करेगी पुलिस। सिपाही वाले मामले में क्या हुआ सर? राहुल सिपाही जिसकी गिरफ्तारी के लिए जो है यहाँ लाया गया, उसको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया था, स्टेशन चौक पर वाला मामला, वही गिरफ्तारी मेमो तो नहीं मिला। एसएसपी साहब बोले कि जांच के लिए दिए हैं आपको, तो उसकी जांच करेगा, लेकिन कोई गिरफ्तारी
या दारू में होना इस तरह कोई। भागलपुर के अंग सांस्कृतिक भवन में मंगलवार को सामाजिक संस्था समवेद की ओर से 6 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ रंगकर्मी चंद्रेश, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के आलोक रंजन, श्वेता भारती, संजीव कुमार, मनोज मीता एवं विक्रम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए संस्था के निदेशक विक्रम ने कहा कि युवा एवं नवोदित रंगकर्मी थिएटर के तकनीकी पक्ष को जान सके, इसके लिए मेहनत की जरूरत है। वहीं रंगकर्मी चंद्रेश ने रंगकर्म के इतिहास, उद्देश्य और वर्तमान परिस्थिति पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय नाट्य कला विद्यालय से आए आलोक रंजन ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन में नाटकों और रंगकर्मियों की बड़ी भूमिका होती है। इस अवसर पर एलून होदा, प्रवीर, राहुल सहित कई रंगकर्मी मौजूद थे। भागलपुर खंजरपुर चौक के समीप मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष लीना सिन्हा के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। शिविर में काफ़ी संख्या में युवा एवं आम नागरिक शामिल हुए और कार्यकर्ताओं की मदद से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान लीना सिन्हा ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र की सुरक्षा एवं उन्नति के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई से देश भर में भाजपा के द्वारा संगठन पर्व सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर में अलग अलग प्रकोष्ठ एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता अभियान चलाकर लक्ष्य पूरा किया जाएगा। मौके पर रूबी दास, संगीता सिन्हा, किरण सिंह, रीता गुप्ता, रानी दुबे सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। राजभवन और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के निर्देश पर NSS के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियान चलाया। भागलपुर VN कॉलेज के स्वयंसेवकों ने नाथनगर के महादलित इलाके में घर घर जाकर लोगों को सौर ऊर्जा, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर ने गोद लिए गए महादलित इलाके में कई पौधे भी लगाए और आसपास के लोगों से पौधे की देखभाल करने की अपील की। वहीं NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अंबिका प्रसाद ने लोगों को सौर ऊर्जा से होने वाले लाभ की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अनुपम आनंद समेत महाविद्यालय के कई शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। भागलपुर शाहकुंड थाना क्षेत्र मानिकपुर गांव में हाई स्कूल मैदान में क्रिकेट खेलने के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस घटना में पिता पुत्र की दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर पिटाई कर दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने के दौरान मिट्ठू नामक युवक को कुछ लड़कों ने जाति सूचक गालियां देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण विवाद बढ़ गया। वहीं मजदूरी कर घर वापस लौट रहे गुड्डू के पिता नरेश हरिजन पर युवकों ने हमला कर दिया, जिसमें पिता पुत्र दोनों जख्मी हो गया। पुलिस ने गाँव के ही सोनू सिंह, गौरव कुमार, गौतम कुमार पर मामला दर्ज कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। जन्म के बाद बच्चे के तुरंत नहीं रोने पर कई बार अभिभावक परेशान हो जाते हैं और उन्हें कई तरह का अंदेशा होने लगता है, लेकिन 6 घंटे के भीतर क्रिटिकूल मशीन के द्वारा ऐसे बच्चों को खतरे से बाहर निकाला जा सकता है। इजराइल निर्मित और अमेरिका से खरीदी गई क्रिटिकूल मशीन अब बिहार झारखंड में पहली बार भागलपुर के सने नवजात एवं बाल सेवा केंद्र में उपलब्ध है। मशीन को लेकर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि क्रिटिकूल मशीन देर से रोने वाले बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे हर्ष हो रहा है कि भागलपुर में स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ये क्रिटिकूल मशीन बिहार और झारखंड में सबसे पहले यहाँ आया है। आप जानते होंगे या पब्लिक ये समझती है कि बच्चा कई बार देर से रोता है और देर से रोने के चलते उसमें जो है डैमेज हो जाता है बच्चा। एक्चुअली क्या है कि शरीर में भोजन आप रुक रुक के कर सकते हैं, लेकिन सांस रुक रुक के करने का नहीं है। भोजन एक 3 बार करते हैं तो 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन सांस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए कि सांस या ऑक्सीजन शरीर में जमा नहीं होता है, वो लगातार होना चाहिए। जब बच्चा देर से रोता है तो नाभि कटा, माँ से कनेक्शन हटा और बच्चा को रोना चाहिए, लेकिन नहीं रोने पर उसको ऑक्सीजन दिया भी जाता है तो शरीर में नहीं जोता घुसता है और फलता बच्चे का पूरा शरीर, ब्रेन, लीवर, किडनी सब डैमेज होता है। इसके उपरांत बच्चे को बचने की समस्या आती है और यदि बच जाता है तो उसमें विकलांगता आती है, जिसको सेरेब्रल पाल्सी या CP कहते हैं। ये CP से बचाने के लिए और बचने की संभावना क्रिटिकूल से बढ़ती है। सांस रुक रुक के करने का नहीं है,
भोजन है, 3 बार करते हैं तो 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन सांस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए कि सांस या ऑक्सीजन शरीर में जमा नहीं होता है, वो लगातार होना चाहिए। जब बच्चा देर से रोता है तो नाभि कटा, माँ से कनेक्शन हटा और बच्चा को रोना चाहिए, लेकिन नहीं रोने पर उसको ऑक्सीजन दिया भी जाता है तो शरीर में नहीं जोता घुसता है और फलता बच्चे का पूरा शरीर, ब्रेन, लीवर, किडनी सब डैमेज होता है। इसके उपरांत बच्चे को बचने की समस्या आती है और यदि बच जाता है तो उसमें विकलांगता आती है जिसको सेरेब्रल पाल्सी या सीपी कहते हैं। ये सीपी से बचाने के लिए और बचने की संभावना क्रिटिकल से बढ़ती है। भागलपुर माउंट कार्मेल स्कूल परिसर में कार्मेल फिस्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेडी ऑफ माउंट कार्मेल मदर मेरी को याद करते हुए कार्मेल फिस्ट वर्षों से मनाया जाता है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य सिस्टर प्रतिभा एसी, उपप्राचार्य सिस्टर आशा सेवरीन, सिस्टर त्रिशा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। छात्राओं के द्वारा सामूहिक नृत्य और नाटक की आकर्षक प्रस्तुति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण मुग्धा ने दिया, जबकि मंच संचालन अनुभूति आर्या, ईशा, स्नेहा, तानिया और सृष्टि ने मिलकर किया और धन्यवाद ज्ञापन फारिहा ने किया। इस मौके पर कई गणमान्य सहित काफी संख्या में अभिभावक मौजूद थे। और अंत में चलते चलते नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का भूमि सुधार राजस्व मंत्री सहित कई अधिकारियों ने किया उद्घाटन। बोलबम के जयकारों से गूंजता रहा सुल्तानगंज गंगा घाट। गुरु पूर्णिमा को लेकर गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, गुरु को किया नमन। चोरी की नियत से घर में घुसे 2 चोर चढ़ा ग्रामीणों के हत्थे, लोगों ने जमकर की धुनाई। कांवरियों के लिए तैयार टेंट सिटी का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण, व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। लॉ परीक्षा में पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने का केंद्राधीक्षक ने लगाया आरोप, परीक्षा हॉल में मोबाइल के साथ धराए कई छात्र। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।